माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड आज हम लोग इंदौर के जू में आए हुए हैं और मैं जस्ट उसी गेट के बाहर ही खड़ा हूँ। तो फ्रेंड आई होप सो आप सब मस्त होंगे और मे भी यहाँ पर मस्त हो। तो फ्रेंड आज हम लोग यहाँ पे इंजॉय करने वाले हैं, तो फ्रेंड चलिए इसके अंदर इंजॉय करते हैं। और अभी बस मैं टिकट काउंटर के यहाँ से टिकट लेने वाला हूँ और फिर आपको बताने वाला हूँ कितनी टिकट लगी। फ्रेंड ये बहुत ही कम्युनिकेशन प्लेस पे है और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, अगर आप इंदौर आते हो तो आप इसे ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर बहुत क्राउड रहता है और यहाँ पर जो है बहुत ही सारे जानवर हैं अलग 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 प्रजाति के, अलग अलग जो भी रेयर केसेस में दूसरे दूसरी जगहों पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड आप इसके अंदर चलते हैं और इंजॉय करते हैं। और फ्रेंड आप भी मेरे साथ रहिएगा और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। तो चलिए फ्रेंड इंजॉय करते हैं यहाँ से नगर पालिका निगम। और ये सामने फ्रेंड आप देख रहे हो टिकट घर है, दिख रहा है फ्रेंड यहाँ से मैंने अभी टिकट कलेक्ट कर लिया है। और फ्रेंड ये इसके बाहर ये टाइगर बना हुआ है, देखो फ्रेंड ये वाइट कलर का टारगेट है पूरा और इस पर बहुत सारे पट्टे ही पट्टे बने हुए हैं। और ये जस्ट इसके बाहर ही है, अंदर नहीं है। और फ्रेंड ये जस्ट जू के बाहर जस्ट एंट्री लेने से पहले एक फाउंटेन बना हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। कोविड के सारे रूल फॉलो करें, मास्क भी लगाएं, विदाउट मास्क कहीं पे भी ट्रेवलिंग नहीं करें। और जितना हो सके जो भी कंजेस्टेड वाले एरिया हैं वहाँ पर मास्क लगाना मत भूलो। सो फ्रेंड हम लोग अंदर आ गए हैं और जस्ट अभी जो देखो बहुत ही चारों तरफ ग्रीनरी है। और मैं जैसे यहाँ पर जो अंदर आया हूँ, मैं अंदर यहाँ पर देखो मेरे पीछे एक बाज का स्टैचू है वो घूम रहा है और ये बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। फ्रेंड इससे पहले मैं यहाँ पर आया नहीं, लेकिन आज मैं पहली बार आया हूँ क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना आपके लोगों के लिए व्लॉग बनाया जाए। काफ़ी सारे व्लॉग बनते रहते हैं फ्रेंड अलग अलग जगहों के लिए, तो मैं इंदौर से हूँ तो मैं इंदौर के काफ़ी सारी जगह जो है मेन जो देखने वाली पिकनिक स्पॉट जैसी और सारी जो बेस्ट बेस्ट सारी जगह है वो मैं आप लोगों के साथ में जरूर अपने ब्लॉग में शेयर करूँगा, ताकि आप कभी इंदौर आते हो तो आप इंदौर से ये सारी जगह घूम सको। तो चलिए फ्रेंड अब अंदर चलते हैं और इन्जॉय करते जाते हैं। देख रहे हो आप यहाँ पर एक लकड़ बग्गा दिख रहा है मुझे और ये हमारे सामने सो रहा है। सब उठ गए फ्रेंड पर ये नहीं उठा है, कोई बात नहीं हम देखते हैं दूसरे पिंजरे में उड़का दिखते हैं। तो बड़ी बड़ी छिपकली के नाम से भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में, लेकिन इसका इंग्लिश का नाम अगुना है। और ये तो इसका फेस क्या खतरनाक दिख रहा है। फ्रेंड यहाँ पर बहुत सारे वाइट पिकॉक हैं। तो फ्रेंड इतना बड़ा है समझ में नहीं आ रहा किधर जाऊँ किधर चलूँ, पर मैं कोशिश करूँगा पूरा का पूरा अपने व्लॉग में कैप्चर करने के लिए, ताकि आप लोग देख पाएँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड, तो उसे लास्ट तक देखना, बीच में स्कैप मत करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फ्रेंड अभी बस मैं डियर के पिंजरे के बाहर हूँ और बस उन्हें पास से कैप्चर करने वाला हूँ। वहाँ से एक्चुअली दूर से दिख नहीं रहा था फ्रेंड, इसलिए हम लोग इतने पास में आए। और देखो फ्रेंड मैं बिल्कुल सामने पास में हूँ। Thank you.
देख रहे हो फ्रेंड आप कितने बड़े हैं, खतरनाक, बहुत ही डेंजर, बहुत ही बड़े हैं फ्रेंड, बहुत ही खतरनाक दिख रहे हैं। इनका साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी साइज है, बहुत बड़े साइज में है फ्रेंड। अभी जैसे हम लोग आए हैं पेंटेड स्टॉक्स के पास में, और ये क्या शानदार फ्लाइंग कर रहा है, ये बहुत बड़े हैं फ्रेंड, दिख रहा है आपको सामने, यहाँ पर बहुत सारे हैं। काफी सारा क्राउड रहता है क्योंकि देखने में बहुत ही प्यारा है। मेरे सामने जो है ये ब्लैक डक है, आप देख रहे हो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ब्लैक डक देखने में। तो देख रहे हो फ्रेंड ऊपर आओ, ये पिंजरे के बाहर भी बंदर बहुत सारे मस्ती कर रहे हैं। ये लाल मुंह के बंदर हैं जो हमें ओपनली देखने को मिल रहा है। देख रहा हूँ ये सामने मेरे जेकाल है जिसको हम सीआर बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, वो चल के जा रहा है, मैं उसे थोड़ा जूम भी कैप्चर कर रहा हूँ क्योंकि वो डिस्टेंस थोड़ी दूर है उसकी। बोर्ड लगे हुए हैं और ये ब्लैक टाइगर और ये वाइट टाइगर का पिंजरा है। अब यहाँ पे देखते हैं फिर हमें वाइट टाइगर कहाँ दिखता है। सर्चिंग चल रही है। तो फ्रेंड देखो यहाँ पर वाइट टाइगर के पिंजरे के बाहर कितने सारे लोग बैठे हैं और वाइट टाइगर दिख गया है फ्रेंड, हम उसे जूम भी कैप्चर करने वाले हैं। देख रहे हो फ्रेंड बड़ा ही डेंजर टाइगर का दिख रहा है, बहुत ही हेल्दी टाइगर है। मेरे सामने का पूरा शेर दिख रहा है, दो इधर दिख रहे हैं, एक इधर दिख रहे हैं। डिस्टेंस को ज़्यादा है।
ये सामने फ्रेंड मेरे एक अपर शेर है, ये लोग अभी बैठे हुए हैं क्योंकि धूप होती जा रही है ना फ्रेंड, इसलिए तो सारे जानवर थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गए हैं। एक भालू यानी कि, और ये चार हैं यहाँ पर, नीचे दो और दिख रहे हैं जो आराम कर रहे हैं, और ये सामने एक जो हमारे मूविंग कर रहा है। देखो सामने एक फाउंटेन दिख रहा है जिसके बीच में जगह खड़े होने की, और पानी गिर रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा फोटो आने वाला है। तो फ्रेंड आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये फाउंटेन दिख रहा है जिसके पानी गिर रहा है नीचे, और इसका व्यू फोटो बहुत ही अच्छा आने वाला है जिसके मैं बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पानी में मस्ती कर रहे हैं, जो आप पीछे दिख रहा होगा, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड यहाँ पे, तो देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो देख रहे हो फ्रेंड आप, हम सारे लोग इसमें इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो फ्रेंड चलो सारे लोग आए हुए हैं, वीडियो थोड़ा लंबा था फ्रेंड, पर लास्ट तक देखा आपने उसके लिए धन्यवाद। और फ्रेंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नई जगह नई वीडियो के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।